कल बच्चों हमने इस पार्ट में पढ़ा था, आज हम इसी पार्ट के आगे की कहानी पढ़ेंगे। कल हमने इसमें पढ़ा था ना, एक राजा होता है, बहुत कंजूस होता है। एक बार उसके राज्य में सूखा पड़ जाता है तो वो गरीबों की मदद नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ही कंजूस होता है। तो उसके दरबार में एक सन्यासी आता है और वो बुद्धिमानी पूर्वक राजा से लोगों की मदद के लिए, प्रजा की मदद के लिए पैसे किस प्रकार से निकलवाता है, आज हम इस कहानी में जानेंगे। तो कल बच्चों हमने जहां तक पढ़ा था कि सन्यासी से राजा पूछता है ना कल कि आप किस हिसाब से दान लोगे, कितना लोगे, क्योंकि ज्यादा पैसा लोगे तो मैं आपको नहीं दूंगा। तो सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी मतलब कि मैं लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी, जो राजा के धन में जो उनका हिसाब किताब लेखा जोखा करते थे ना, उन्हें राजभंडारी कहते थे, प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक। भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म मतलब आदेश बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हड़बड़ाता मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रही, इतना पैसा जा रहा है। वो डर गया कि राजा को भी पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगा, इसलिए वो घबरा गया, परेशान हो गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, या क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए वो उनका उनको बहुत दिक्कत होने लगी, तो वो थोड़ा सा ठंडी हवा खाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष अर्थात राजा का धन खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। ये कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। तभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चलता है कि उन्होंने इस तरह से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा
और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त की कर दीजिए। बेटा ये आप देख रहे हो ना सारा हिसाब किताब, जो सारा आप देख रहे हो ना साइड में, कि ये देखो पहला दिन राजा ने कितना दिया था, 1 रुपए। दूसरे दिन उसका कितना हो गया, 2 रुपए, फिर 4, फिर 8। इस तरह से हर दिन पैसा दुगना तिगना होता चला गया और आखिरी में कितना हो गया, 10,48,575 रुपए, है ना। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गड़ाया, मंत्री गिड़गड़ाए, सभी गिड़गड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। गिड़गड़ाए मतलब रो रो के, हाथ जोड़ जोड़ कर, उनके पैर पकड़ पकड़ कर उनसे प्रार्थना की, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर ही अडिग रहे, वो अटे रहे। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। देखा बच्चों आपने, अगर राजा ने पहले ही दिन अपनी प्रजा की मदद कर दी होती तो उन्हें सिर्फ कितने रुपए देने होते, 10,000 रुपए देने होते। लेकिन उनका लालच आ गया था, वो बहुत कंजूस थे, तो उनकी मदद ना करने की वजह से 10,000 की जगह उन्हें कितने हजार रुपए देने पड़े, आखिरी में 50,000 रुपए देने पड़े। तो हमें कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, हमसे जितना भी हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आइए बच्चों आज हम इसके, कल हमने कठिन शब्द किए थे, आज हम करेंगे इसके शब्द अर्थ। दान का हिसाब आप हेडिंग डालेंगे और डालेंगे शब्दार्थ और आज की डेट डालेंगे। पहला शब्द अर्थ है बच्चों सत्कार, आदर या सम्मान। दूसरा है अकाल, भुखमरी, लगदक, कीमती या महंगा, वक्त, समय या काल। दोनों अर्थ हो सकते हैं, इसलिए मैंने दो दो लिखे हैं, आप भी दोनों लिखना, लेकिन याद करने के समय आप एक भी याद कर सकते हैं और दो भी याद कर सकते हैं। नामी लोग, प्रसिद्ध लोग, खबर, समाचार, बकवास, फालतू बात करना, दिवालिया, जो अपना सारा धन गंवा दिया हो, प्रकोप, अत्यधिक क्रोध, गुहार लगाई, आवाज लगाई या प्रार्थना की, रकम, रुपया पैसा, लोभी, लालची, हुक्म, आदेश या आज्ञा देना, मुक्त कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, लाचार होकर, मजबूर होकर या विवश होकर, तरीका, ढंग। बच्चों ये कहानी बहुत अच्छी है और इससे हमें सीखने के लिए शिक्षा भी मिलती है कि हमें हमेशा जितना भी हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें अपने धन का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छे कामों में लगाना चाहिए। और ये कहानी बहुत अच्छी है। इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ को आप साफ साफ अपनी कॉपी में नोट करेंगे। खासकर बच्चों आप मात्राओं का विशेष ध्यान रखना और साथ साथ आप इस पाठ को जो जो आप काम करते चलेंगे उसे याद करते चलेंगे, क्योंकि आपको पता है हर सप्ताह के अंत में आपका पाठ का टेस्ट होता है। इसलिए आज शब्दार्थ आपका होमवर्क भी है कि आज आप शब्दार्थ लिखने के साथ साथ इसको याद भी करेंगे।